देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पार्किंग लगी हुई है। सुबह पहले मुझे लगा यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इतनी भीड़ है पूरी जगह। ये देख सकते हो गोविंद देव जी का टेम्पल। शूज वगैरह आगे ले गया था, लेकिन मेरे भाइयों ने बताया कि यहीं पे रखना है, ये दोनों भी रखना। उसके बाद यहाँ पे सब परिक्रमा कर रहे, देख सकते हो अंदर से आ रहे हैं और इधर से पूरी बहुत सुबह पहले आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कल के व्लॉग में जाने वाला हूँ गोविंद देव जी के मंदिर में, जो हमारे जयपुर में बहुत फेमस मंदिर है और बहुत प्राचीन भी है। तो कल हम वहाँ पे मॉर्निंग में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं सोता हूँ और कल मॉर्निंग में मेरे को बहुत जल्दी उठना है, करीबन 4 बजे हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं सोता हूँ और मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स मैं उठ चुका हूँ और बाहर देख सकते हो आप, अभी के हमारे 3 बज रहे हैं। तो मैं रेडी होता हूँ और निकलते हैं सीधा गोविंद देव जी के टेंपल के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और घर से निकलता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह बाहर खड़े हैं गेट के। तो निकलते हैं हम यहाँ से। फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये आ चुके, देख सकते हो आप, हम 2 बाइक से जाने वाले हैं। तो हमारे को जल्दी पहुँच रहे हैं गोविंद देव जी टेम्पल में निकलना है। तो फ्रेंड्स निकलता हूँ मैं घर से, चला चला बाइक चला स्टार्ट कर, हम बिना हेलमेट जाने वाले हैं आज। तो हम इस गली के अंदर जाने वाले हैं, सामने की तरफ एक गेट देख सकते हो आप, यहीं पे है गोविंद देव जी का टेम्पल। कहाँ पे आ गया, अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है। फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पार्किंग लगी हुई है। सुबह पहले मुझे लगा यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इतनी भीड़ है पूरी जगह। ये देख सकते हो गोविंद देव जी का टेम्पल, ये देख सकते हो लिख भी रखा है। फाइनली पहुँच चुके हैं मॉर्निंग में, हमें मॉर्निंग के दर्शन करने थे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी भीड़। पहुँच चुके हैं हम गोविंद देव जी के टेम्पल, मुझे लगा कि यहाँ पे तो सुबह सुबह हम आए हैं और आगे तक जहाँ से स्टार्ट होकर फिर आगे तक देख सकते हो, जहाँ से मेरे को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, सॉरी जब इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आरती का टाइम हो गया क्या, चलो जल्दी चलो। फ्रेंड्स आरती वगैरह हो रही है तो हम आरती टाइम में पहुंच रहे हैं, जल्दी तेज चलो चलो। इतना रश, ऐसा नहीं लग रहा अपन और कहीं आगे वृंदावन वगैरह, इतनी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है यार जयपुर में। फ्रेंड्स मेरे को आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे गोविंद देव जी टेम्पल में इतनी भीड़ है। यहाँ पे शूज वगैरह आगे ले गया था, लेकिन मेरे भाइयों ने बताया कि यहीं पे रखना है, ये दोनों भी रखना। देख सकते हो इतना रश भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पर, मुझे पता नहीं था। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ गोविंद देव जी के टेम्पल पे, फाइनली मेरे दर्शन हो गए हैं। वो तो मैं यहाँ पे जूते पहन के आ चुका था, वो तो मेरे भाइयों ने बताया कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो मेरे को वापस वहाँ पे जाना पड़ा। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो मैं आरती वगैरह भी यहाँ पे नहीं कर पाता। फ्रेंड फाइनली मैंने आरती तो कर ली, हम परिक्रमा कर लिए और जो हमारे ये देख सकते हो आप, आरती होने के बाद यहाँ पे सब परिक्रमा कर रहे, देख सकते हो अंदर से आ रहे हैं और इधर से पूरी बहुत अच्छी सुबह पहले आ रही। फिर अपन दर्शन हो गए, परिक्रमा करी नहीं, चले आ जाओ। फ्रेंड्स हम निकलते, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे से वो बोल रहे हैं कि सुबह पहले हमारे को लेके के आ गया तो इतनी जल्दी, क्योंकि मैं इनको भगा के ले आया बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम वापस पार्किंग में आ चुके हैं, हमारी बाइक सही सलामत है और हम यहाँ से वापस से निकलने वाले हैं घर के लिए। तो फ्रेंड चलते हैं, करो स्टार्ट करो बाइक फटाफट। फ्रेंड्स गोविंद देव जी का मंदिर में दर्शन करके मैं यहाँ पे घर जा रहा हूँ। तो घर जाते हुए हम यहाँ पे, मेरे को थोड़ी भूख लगती है, मैं यहाँ पे पैटीज खा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं खा के घर निकलते हैं, तो फ्रेंड्स मैं पैटीज खा लेता हूँ। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।